और न सिर्फ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके साथ भी खिलवाड़ करने वाली ये योजना है, जो लंबे समय से सेना के नाम पर जनता को इमोशनल करती रही और वोट लेती रही। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी गदा पंचायत में स्वागत है। अभी हम राज्यपाल भवन के पास खड़े हैं, यहाँ पे हमारे साथ महागठबंधन के विधायक हैं संदीप सौरभ जी, इनसे बात करते हैं। ये राज्यपाल भवन पहुँचे हुए हैं क्योंकि ज्ञापन सौंपने के लिए, अग्निपथ योजना जो आई है उसको वापस लेने के लिए तेजस्वी यादव भी आए हुए हैं यहाँ पर। सभी सब एक एक करके हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या राज्यपाल से मिल पाएंगे? देखिए, हम लोग एक प्रपोजल लेकर के सरकार के पास आए हैं, राज्यपाल के पास आए हैं, और हमारी मांग है कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने वाली जो योजना है, और न सिर्फ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके साथ भी खिलवाड़ करने वाली ये योजना है अग्निपथ योजना, इसके खतरनाक पक्ष को सरकार गंभीरता से समझे। और राज्यपाल महोदय को इसलिए ज्ञापन दिया गया है ताकि इसको वापस लिया जा सके, हमारी मांग इसको वापस लिया जाए। अभी जो सरकार का रवैया है कि इसमें बार्गेनिंग सरकार कर रही है, ये ऑफर पसंद नहीं तो थोड़ा लीजिए और बढ़ा दीजिए, 45 लाख से काम नहीं चल रहा तो आपको मौत का मुआवजा 1 करोड़ कर दे रहे हैं। लेकिन युवाओं का कंसर्न वहाँ नहीं है, हमारा जो कंसर्न है कि 4 साल की जो नौकरी होगी तो इस नौकरी के चलते 4 साल बाद बिहार और देश के समूचे इलाके में एक बहुत बड़ा क्राउड रहेगा जो आर्मी ट्रेनिंग लेकर के आएगा और जिसके हाथ में कोई रोजगार नहीं होगा। तो इस क्राउड के साथ सरकार क्या करेगी, इसके लिए क्या उनके पास योजना है, क्योंकि इसके बियॉन्ड भी पहले से बेरोजगार करोड़ों की संख्या में होंगे। बिल्कुल, तो इसके लिए सरकार की क्या योजना है, सवाल नंबर एक। जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएंगे लोग 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के, और उनके सामने खड़े होंगे जो 3 साल 4 साल की ट्रेनिंग लिए हुए हैं पहले से, जिनके पास काम करने का 5 साल 6 साल का अतिरिक्त अनुभव होगा, उनके पास अगर आप अग्निवीरों को खड़ा कर देंगे तो इनकी जान को जोखिम में डालना हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आर्मी के भीतर अगर किसी को 21,000 महीना मिलेगा और किसी को 65,000 महीना मिलेगा, किसी को 30 दिन का छुट्टी मिलेगा साल में और किसी को 90 दिन का मिलेगा, तो आर्मी के भीतर ही भेदभाव होगा कि नहीं होगा? एक बहुत बड़ी आबादी हो जाएगी जिसके आर्मी के अंदर कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, आत्मीय जुड़ाव नहीं हो पाएगा। 4 साल तो लोगों को समझने देखने में ही निकल जाता है। आप कह रहे हैं 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, एक महीने का साल में हम उनको छुट्टी देंगे, पूरी तरीके से लफाजी है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और ये वही सरकार कर रही है जो लंबे समय से सेना के नाम पर जनता को इमोशनल करती रही और वोट लेती रही। अब यही सरकार कह रही है कि सेना को पेंशन देने का मतलब है कि पैसा को बर्बाद करना, और हम पेंशन देने से रोक रहे हैं, उस पेंशन से हम हथियार खरीदेंगे और आधुनिकीकरण करेंगे। सेना में जिनको आप पेंशन दे रहे हैं, फोकट में नहीं दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री, एक नेता, एक सांसद, एक विधायक से ज्यादा काम करते हैं लोग सेना में रह करके। क्या सर, उन विधायक और सांसद की पेंशन खत्म नहीं होनी चाहिए? ही मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पैसा रोकना है, पैसा बचाना है सरकार को, तो आप पेंशन की खत्म कीजिए, एमपी एमएलए का पेंशन खत्म करके दिखाइए, ये नहीं होगा आपसे। आप जो अरबों रुपए कॉरपोरेट टैक्स में छूट दे रहे हैं, ये जो हर साल अडानी और अंबानी को टैक्स में छूट दिया जाता है, उनको बैंक से लोन दिया जाता है, लोन को माफ किया जाता है, उसको सरकार क्यों नहीं रोक सकती है? हम तो चाहते हैं कि सबको पेंशन मिले, सारे रोजगार जो लोग करने वाले लोग हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनके बच्चे आगे होकर के पढ़े, एक सुखी संपन्न परिवार हो। देश में पैसा इसीलिए तो होता है, और किस लिए होता है कि अडानी अंबानी को दे दिए कि लेके देश से बाहर चले जाओ, अंबानी को दिए कि आप इसी देश के संपत्ति को हमारे ही पैसे से खरीद लो, और जब सेना की बात आई तो हम कह रहे हैं पैसे बचाने हमें। सर, ये एनडीए सरकार युवा विरोधी क्यों है? एनडीए सरकार सिर्फ युवा विरोधी नहीं है, युवा विरोधी होते होते ये इस लेवल तक आ गए हैं कि ये देश विरोधी भी हो गए हैं। और जो अग्निपथ योजना है, इसमें पुराने जितने रिटायर्ड कर्नल हैं, जितने रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे अगर बात किया जाए तो वो लोग साफ साफ कहते हैं कि देश की सेना का जो गरिमा था, जो एक मजबूती थी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की सेना का, उसको गर्त में मिलाने वाला योजना है ये, तो बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। सरकार क्यों चाहती है, इसका एक बड़ा कारण और भी है।
सरकार को लग रहा है कि जो अडानी और अंबानी अपने यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप चला करके गार्ड प्रोड्यूस कर रही है, वो ट्रेनिंग कैंप चलाने का पैसा उनको क्यों लगाना पड़े? उसके उसका तो है ही अपना आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, अडानी अंबानी का। तो सरकार लगाए ट्रेनिंग का कैंप, वहाँ से ट्रेनिंग होगा और अडानी अंबानी के कारखाने में फोकट में इनको गार्ड मिलेंगे। लोअर मिडिल क्लास जो हिंदुस्तान का है, उसके पास जो बीए एमए पीएचडी तक पढ़ाई नहीं कर सकता है, जो बीपीएससी का और सिविल की तैयारी नहीं कर सकता है, उस तबके के पास सम्मानजनक रोजगार के नाम पर अगर कोई विकल्प था तो वो आर्मी की बहाली थी। सर, जो इनसे छीना जा रहा है, यानी गरीब के पास अब ये अधिकार ही नहीं रहेगा, कोई मौका ही नहीं होगा कि वो एक माने सुखी संपन्न परिवार के रूप में अपने आप को प्रमोट कर सके। ये अब होगा ही नहीं मौका, क्योंकि आर्मी एकमात्र रास्ता था, देह को खटाना था और देश की सेवा में लगाना था, उस रास्ते को सरकार बंद कर रही है। सर, सरकार ऐसी स्कीम लाने से पहले लोगों से, आम लोगों से, जनता से, समाज के बुद्धिजीवियों से चर्चा इस पर क्यों नहीं करती है? जैसे कोई भी बिल पास होता है, बजट पास होता है, के बुद्धिजीवियों की बात छोड़ दीजिए, भाजपा अपने मंत्रियों से चर्चा नहीं करती है। असल में जो बीजेपी सरकार नीतियां बना रही है, ये नीतियां भाजपा बना भी नहीं रही है, नीति कहीं और से बनती है, पीएमओ में आता है लेटर और पीएम उसको जाहिर आगे बढ़ा देता है। कॉरपोरेट का ये पूरा प्लान है, कॉरपोरेट चाहता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो हैं, अडानी अंबानी है, वो चाहते हैं कि सेना का निजीकरण होगा। आज सेना का निजीकरण होगा तो कल पुलिस का निजीकरण होगा, डॉक्टर का निजीकरण होगा, टीचर का निजीकरण होगा, हर कहीं भी पेंशन नहीं रहेगा। फिर अगर सेना में ये लोग जो चाह रहे हैं वो कर ले गए तो फिर कौन सा एरिया छूटेगा इनसे? तो एक बहुत बड़ा खतरे के समय, खतरे का एक मुहान पे देश खड़ा है। यहाँ पे अगर हम लोग इस कदम को पीछे ढकेल दिए तब हिंदुस्तान को बचा पाएंगे, वरना इनकी जो गिद्ध दृष्टि है, ये एक एक इंसान के मेहनत का, पसीने की जो कमाई है, उसको लूट खाने वाले लोग हैं भाजपा के। बीजेपी कुछ मंत्रियों का कहना है कि अग्निवीरों को दफ्तर में भी मौका मिल सकता है। सोचिए, देश में देश की सेवा लेकर के, जज्बा लेकर के जो लोग दौड़ रहे हैं, अपने खून को पसीना बना करके बहा रहे हैं, उनसे आप कहेंगे कि हमारे ऑफिस में आकर के दरबारी करो, दरबानी करो, क्या अग्निवीरों का अपमान नहीं होगा? मान ही है और क्या है। तो भाजपा तो यही करती रही है, नया बात उनके लिए तो है नहीं। सर, भाजपा और जदयू एक और आरोप लगा रही है कि राजद ने आंदोलनकारियों को भड़काया है। आंदोलन को कोई भड़का नहीं रहा है, आंदोलन कर्मी जो है, यहाँ जितने लोग आंदोलन में हैं, इस सब लोग से ज़्यादा जानते हैं वो बच्चे जिन जो आर्मी के दौर में तैयारी कर रहे हैं, उनको खतरा सीधे सीधे पता है कि क्या, उनको कोई भड़का नहीं रहा, वो खुद ही भड़के हुए हैं और वो इतना भड़के हुए हैं उसका हिसाब अभी सरकार को नहीं है। हर भड़के हुए लोग आगजनी नहीं कर रहे हैं, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आक्रोश का लेवल बहुत हाई है। उनके बीच में कोई जा करके देखे, और ये जो भाजपा वाले ज्ञान दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से और चैनल में बैठ करके, उनकी हिम्मत है तो जा करके नौजवानों के बीच में ये बात कह के दिखाएं? ये हिम्मत नहीं होगा उनको। कोई भड़का नहीं रहा, सब लोग अपने से भड़का हुआ है। देश का बात करने के लिए।